सो हे गाइस, आज मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ कि जो वाटर टैंक होता है उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता कैसे आखिरकार। तो इसके लिए कुछ हमें टैंक निप्पल यूनियन एल्बो पाइप की ज़रूरत पड़ती है और एक टंकी की ज़रूरत पड़ती है। टंकी हमने यहाँ पर मेरा मतलब कस्टमर है, उसको हमने अपोलो का टंकी दिया हुआ है और बाकी जो फिटिंग है वो भी सारी अपोलो की दी हुई है। इनका कहना था कि हमें UPVC लगवाना है क्योंकि इनके घर में बाकी फिटिंग भी UPVC की हुई थी, तो उनको चेंज नहीं कराना था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, UPVC ले लेते हो। तो सारा फिटिंग का UPVC है और जो वाटर टैंक है वो है अपोलो का 3 लेयर, ठीक है। और इसका प्राइस मैं अगर आपको इसी वीडियो में बता दूँ तो इनको मैंने दिया है 3200 रुपये का। तो ये ठीक है। अब चलो यहाँ पर ये गरम करके निप्पल है 4 इंची का, 1.5 इंची उसको छेद कर रहे हैं जिससे कि जो पाइप वगैरह है उसको लगाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे का काम दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पर जो हमारी टंकी है उसको इन्होंने छत पर बैठवा दिया है। अब आप लोगों के कि यहाँ पर क्यों बैठवाया है, क्योंकि अगर मान लो सेकंड मंजिला में लेके जाएंगे तो वहाँ प्रेशर ही मतलब पानी नहीं जाएगा। तो देखो इनका कहना है कि हमें ऊपर नहीं बैठवाना है, तो इसीलिए हमें नीचे पानी चाहिए ऊपर नहीं चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जहाँ पर आपकी इच्छा वहाँ पर लगवाओ। तो इन्होंने पहले ही मंजिलों में टंकी लगवाया है, उनको बस पानी का जो यूज़ है वो नीचे ही है। और आप लोग देख सकते हो टंकी रख गई है, पानी वहाँ टैंक निप्पल यूनियन बाल वाल सारी चीज़ें लगा दिया गया है वहाँ पर, आप देख सकते हो। और प्लम्बर अभी बाकी की चीज़ें कर रहा है, पाइप वगैरह लगा रहा है। अब ये जो पाइप है वो एक ऊपर की तरफ जाएगा और एक नीचे की तरफ आते हुए जो डायरेक्ट मोटर से जाके लग जाएगा। और अभी लाइट नहीं है, जब लाइट आ जाएगी तो पानी भी चेक करके मिस्त्री चेक कर लेगा कि हाँ सब कुछ सही है या नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना।